यस नमस्कार सर, मेरा नाम गोपाल यादव है, मैं महाराष्ट्र से वाशिम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर मेरा कुल्फी का प्लांट है, एक्चुअल में मैंने कुल्फी के प्लांट के साथ में आइसक्रीम चर्नर खरीदा हुआ है और पीछे 7 साल से मैं आइसक्रीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए पाउडर कस्टर्ड मिलाता हूँ, कॉर्नफ्लोर मिलाता हूँ, फिर भी आइसक्रीम बनती ही नहीं है। काफ़ी कोशिश की है। हम 2019 में गुजरात में आए थे खाद्य खुराक के माध्यम से एग्जीबिशन में। वहाँ पे आने के बाद में काफ़ी विजिट दी, वहाँ पे देखी मशीनरी देखी, फिर भी देखा ट्रेनिंग का भी देखा, लेकिन ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पे भी नहीं मिला है हमें। फिर मुकेश जी ने हमें कांटेक्ट किया है, जो खाद्य खुराक के माध्यम से कांटेक्ट किया होगा। उसके बाद में जो आइसक्रीम का जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए, उन्होंने काफ़ी सारा फॉलोअप लिया, काफ़ी सारा मतलब छोड़ा ही नहीं हमें। ये बात तो सीखने को मिली है उनसे हमें, कम से कम 10-15 फोन उन्होंने मुझे किए स्पेशली। मैंने काफ़ी बार बोला, मैं वर्किंग में भी रहता हूँ तो सर मैं बाद में कॉल करता हूँ, तो वो मुझे कॉल करते थे, सर आपका क्या हुआ, आना है नहीं आना है। सर ने कहा स्पेशली यहाँ पे आने के लिए जो हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि आप आ जाओ, कि काफ़ी दूर है यहाँ से सर महाराष्ट्र, और रूरल एरिया है हमारा, तो यहाँ पे आने के बाद में अभी आइसक्रीम काफ़ी अच्छे से हम सीख गए हैं। और कुल्फी भी बनाते थे तो कुल्फी भी अलग ही तरीके से हम बनाते थे, जिसमें हमारी क्वालिटी भी नहीं आती थी और जो प्राइसिंग भी रहती थी वो प्राइसिंग भी कस्टमर के हिसाब से अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे आने के बाद में वो भी सीखा है हमने। जो लेबोरेटरी का पार्ट आपको यहाँ पे सिखाया गया है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से जाने के बाद में अपना जो प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा उसमें जो है एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? सर मेन बात तो ये है कि हम मिल्क लाते थे, मिल्क के बाद में कस्टर्ड कॉर्नफ्लावर से हम कुल्फी बनाते थे, उसमें मावा वगैरह यूज़ होता था, लेकिन ये प्रोटीन और ये फैट और SMS ये हमें कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पे आने के बाद में जो प्रोटीन वगैरह जो पता चल चुका है, प्रोटीन इतना चाहिए, फैट इतना रहना चाहिए मिल्क में, ये सब यहाँ से सीखने को मिला है लेबोरेटरी में। आपके महाराष्ट्र से अगर कोई कैंडिडेट्स आता है और अगर रेफरेंस के लिए हम आपका नंबर देते हैं जैसे आपको भी दिया है, तो आपका इस ट्रेनिंग सेंटर जो आप 3 दिन यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या जो है एक फीडबैक दे पाएंगे? सर मैं तो उनको एक कहना चाहता हूँ कि आप 101% यहाँ पे आइए, टाइम नहीं है तो टाइम निकाल के आइए, बिजनेस के बारे में आपको काफ़ी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। और मुझे जो 0 नॉलेज था यहाँ पे, मैं 99% आपको कह सकता हूँ कि मुझे पूरा नॉलेज यहाँ पे मिल चुका है। मैं तो और एक बार यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करने आऊँगा सर, कभी भी मुझे जब ऐसी ज़रूरत गिरेगी या मेरे पास टाइम होगा, क्योंकि मेरा बेकरी का भी है सर, बेकरी है, छत्रपति के कॉर्नर भी है मेरा, उसमें से थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, और मैं 101% टाइम निकालूंगा और यहाँ पे आऊँगा सर। और एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, जो डेवलपिंग करना है मार्केटिंग में अपना जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी संदीप सर ने काफ़ी जानकारी दी है, जो मार्केटिंग भी कैसी होनी चाहिए आपकी, वो मुकेश सर से भी हमें सीखने को मिला है सर। हाँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अब तक फेस कर रहे थे, अब यहाँ से जाने के बाद में बिल्कुल वो आप रिजोल्व करके देखेंगे? सर मेन बात तो एक है कि जो भी आइसक्रीम इंडस्ट्रीज है छोटे छोटे गांव में जो लगी हुई है या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनको 50% भी इसका नॉलेज नहीं है। मेन बात है मैं वहाँ पे जाने के बाद में उनको ही कुछ पता नहीं, तो मुझे क्या पता चलेगा उससे, है ना। और ये जो कैलकुलेशन सर ने जो बताया ना, ये कैलकुलेशन कोई ये रूरल एरिया में यूज़ करता ही नहीं है, तो मैं तो उनको कहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद में आपको एक प्रॉपर फॉर्मूला आप जो है हम खुद का बना पाएंगे यहाँ पे। तो शब्द आप जो है इस ट्रेनिंग के बारे में और इसके संदीप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर संदीप जी काफ़ी बढ़िया ट्रेनर है, मैं एज ए एक अच्छे ब्रांड के साथ में भी एज ए एरिया मैनेजर काम कर चुका हूँ, बिहेवियर ट्रेनिंग काफ़ी की है सर मैंने नागपुर में, जो राजस्थान से एक मैडम आती थी वो। लेकिन सर आपने जो बोला है, जो डीप में हमने नॉलेज दिया है, ये अब तक ऐसा मुझे आज तक तो भी नहीं मिला है। तो सर ने भी जो मशीनरी के बारे में जो ट्रेनिंग बताया है काफ़ी अच्छा, उन्होंने भी बता चुके हैं पूरा नॉलेज। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।